देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवाड़ी मस्जिद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्ञानवाड़ी मस्जिद में शिवलिंग का पाया जाना दुनिया भर की निगाहें वाराणसी की तरफ देख रही। उक्त प्रकरण से संबंधित 6 याचिका पहले लंबित हैं कि विश्व हिंदू महासमिति द्वारा 7वीं याचिका व वाद दाखिल किया गया। 30/5/2022 दिन सोमवार द्वारा वाराणसी न्यायालय में आज दिनांक 30/5/2022 सोमवार को सुबह लगभग 10:30 बजे कानूनी सलाहकार एडवोकेट शिव कुमार यादव, एडवोकेट सत्य प्रकाश सिंह, एडवोकेट अमित सिंह, एडवोकेट कमलेश श्रीवास्तव व अन्य सम्मानित अधिवक्तागण के माध्यम से याचिका दाखिल की गई, जिसमें माननीय न्यायालय से हिंदुओं की धार्मिक भावना पूजा उपासना के संदर्भ में हिंदू देवी देवताओं के चिन्हों, प्रतीकों व अभिलेखों की सुरक्षा व श्रृंगार मंडप, भक्ति मंडप, मुक्ति मंडप की सुरक्षा व हिंदुओं के आर्टिकल 25 के अंतर्गत पूजा के अधिकार के संदर्भ में व अन्य अति महत्वपूर्ण विषयों पर निवेदन किया जाएगा और याचिका दाखिल की जाएगी। सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल से चंद्रमोहन सिंह की खास रिपोर्ट। जब 7-11 डिस्पोजल हो जाएगी तब तक अवैध यादव ने क्या ऑर्डर किया सर अंदर से? तो अवैध यादव ने टाइम से किया है और कॉपी सप्लाई के लिए दे रखा है कि कॉपी अब तक सप्लाई नहीं है, मैं आपको सप्लाई करूँगा। पिटीशन उनके पास नहीं पहुंची, ये बात उन्होंने कोर्ट में बोली। कोर्ट ने उनकी बात है क्योंकि नोटिस अब तक नहीं हुआ। अवैध यादव किसकी तरफ से आए अब तक ये क्लियर नहीं, क्योंकि जब कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ है, नोटिस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो इस स्टेट में कह नहीं सकते अवैध यादव